जय हिंद दोस्तों, आप सबका सिद्धार्थ सर चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 15 फरवरी और आरपीएफ का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। आज जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स, हम उन्हीं को बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सभी क्वेश्चन को। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि मैथ के, रीजनिंग के और जीएस के हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था फ्रेंड्स, यहाँ से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो याद रखना कि जो निर्वाचित सांसदों विधानसभा सदस्यों द्वारा, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो आप संविधान के, मैं बता दूं, पांच से छह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस शिफ्ट में, पूछे गए और पूछे जा रहे हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए एक बार। अगला जो पूछा था, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। तो याद रखना जो ली गई है संविधान संशोधन। तो और मैं बता दूं, संविधान संशोधन जो होता है 368 आर्टिकल के तहत होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगला आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते ईंधन। तो इस तरीके के इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर एक बार एग्जाम देने से पहले आप जरूर देख लीजिए। और इसकी पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, उसमें हम इसकी लिंक पीडीएफ दे देंगे। अगला आपसे जो पूछा था, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो याद रखना 1923 में हुआ था। तो इस तरीके के जितने डाक का कब हुआ है और रेडियो का कब हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर एक बार आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख लीजिए। अगला पूछा था विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो टोकोफेरोल। तो फ्रेंड्स, यहाँ से विटामिन ई से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, विटामिन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बार विटामिन जरूर देख के जाइए। अगला पूछा था मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है, तो याद रखना रिंग। तो इस तरीके के खेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि फॉल्ट किस खेल से संबंधित है, या फिर निम्न में से पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप जरूर एक बार देख के जाइए। अगला पूछा था दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने। तो याद रखना शाहजहां ने किया था। तो याद रखना लाल किले का भी शाहजहां ने किया था। अगला जो पूछा गया था यहाँ से, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ शुरू। तो याद रखना ये द्वितीय युद्ध जो हुआ 1556 में हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध भी आप एक बार जरूर देख लीजिए फ्रेंड्स। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, तो याद रखना गोविंद माथुर जी को किया गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से हाईकोर्ट से, राज्यपाल से संबंधित सभी क्वेश्चन एक बार देख लेना। अगला पूछा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो याद रखना जो दिया गया था देविका रानी ने, रानी को दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और अगला ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था। तो याद रखना यहाँ से जो डिजाइन किया था मैडम बीका जी कामा जी ने, तो डिजाइन किया था। और बनाया किसने था, तो आपको याद रखना पिंगाली जी ने। तो याद, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो पूछा था, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हम आपको हर शिफ्ट का वीडियो दे सकें। आपका पेपर नहीं हुआ तो आपका पेपर के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। मैथ के देखो, मैं बता दूँ, इजी क्वेश्चन आ रहा है, लॉस प्रॉफिट से आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है कि 400 आपका क्रय मूल्य है, तो 510 आपका विक्रय मूल्य है, तो लाभ हानि बताइए। या फिर 460 अगर आपका किराया मूल्य है, तो इसका विक्रय 20% लाभ पर विक्रय मूल्य, इस तरीके के पूछे जा रहे हैं। और यहाँ से एवरेज से जो पूछे जा रहा है कि 10 20 30 सभी को ऐड करके क्या आएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैथ बहुत इजी आ रहा फ्रेंड्स। तो सभी पेपर लगभग आपके 80 से 90 नंबर आप बड़े इजी तरीके से ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, और इसके अलावा मैं बता दूँ, यहाँ से आपके रीजनिंग का सेटिंग अरेंजमेंट देख लेना एक बार, और दर्पण देख लेना, और आपके मिरर देख लेना, और आप एक बार सीरीज जरूर देख के जाइए फ्रेंड्स। और इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ रहा है, तो फ्रेंड्स सभी आपको देख के जाना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।